legend of homeopathy. No introduction needed about Dr. Frederick Samuel Hahnemann all over the world. पूरी दुनिया में अगर किसी बड़े से बड़े डॉक्टर का नाम लिया जाए तो हमें डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के अलावा किसी दूसरे डॉक्टर का नाम नज़र नहीं आया था। और उन्होंने होम्योपैथी को डिस्कवर करके मेडिकल साइंस की दुनिया में जो एक नया इंकलाब बर्पा किया उसकी हम आवाज़ बांध रहे हैं। और पाकिस्तान में हम होम्योपैथी तरीका लाज को प्रमोट और इनको इसकी तरक्की और तरवीज के लिए देदार घोषा है। और होम्योपैथी के जो पाकिस्तान में 1,70,000 थे शायद रजिस्टर डॉक्टर थे, हम उनके नाम भी पैगाम ला दें कि जितने आज़ादी की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो और हम पूरे फैसलाबाद भर में जो है होम्योपैथी तरीका लाज को एक इंटरनेशनल होम्योपैथी का ही रैली की सूरत में जो है पाकिस्तान में इसको प्रमोट कर रहे हैं। और इसकी आवाज़ को जो है होम्योपैथी तरीका लाज की आवाज़ को पाकिस्तान से पूरी दुनिया तक इसको हम पहुँचाना चाहते हैं। इसके लिए हमारे बहुत सारे जो होम्योपैथक रिसर्च डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथक साइंटिस्ट डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथक माहरीन हैं, वो हमारे साथ शामिल हैं। और हम पाकिस्तान भर के 1,70,000 से ज़ायद जो होम्योपैथक रजिस्टर्ड डॉक्टर्स मौजूद हैं, हम उनको पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान का जो प्लेटफार्म दिया गया है दुनिया भर के होम्योपैथक डॉक्टर्स को, हमारी आवाज़ बने और हमारे इस प्लेटफार्म पे जो है वो मुतहद होकर एक यूनिटी बनकर हमारा साथ दें ताकि हम बेहतरीन अंदाज से जो है होम्योपैथिक तरीका इलाज को पूरी दुनिया में पाकिस्तान से प्रमोट और सपोर्ट करें। और इसकी जो 21वीं सदी है जो इंशाल्लाह ताला वो पूरी दुनिया में होम्योपैथी तरीका इलाज के इंकलाब की सदी होगी। इस तरीका इलाज को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर हैं डॉक्टर डेविड फरारी, डॉक्टर माइकल ब्यान और उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव WHO हेल्थ क्लब के स्टेटमेंट आए हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया का जो बेहतरीन तरीका इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी है। इसको अगर आप देखें इंटरनेशनल जो मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट माहरीन हैं उन्होंने WHO की टेबल पे फाइल रखी है लेके आके। उन्होंने कहा कि आइट्रोजेनिक डिजीज जो है ये गलत जो इलाज के बात है, आठ में जो फलाना 2,50,000 लोगों का कत्लेआम किया जाता है एलोपैथी और आयुर्वेदिक कृपया यूनानी तरीका इलाज में सालाना 2,50,000 पे लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, उनका कत्लेआम किया जा रहा है। हम कहते हैं कि इसके सदेबाब हो और इन दोनों तरीका इलाज को गलत तरीका इलाज करार दे के तो होम्योपैथी तरीका इलाज को दुनिया में तस्लीम इसको किया जाए और इसका एतराफ़ किया जाए ताकि लोगों की सेहत जो है अच्छी हो। हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि अगर हम होम्योपैथी तरीका इलाज पे आ गए तो इंशाल्लाह ताला हम यूरोप की तरह जो है हमारे मुल्क के लोग जो हैं हमारा मुल्क जो है वो एडवांस करेगा, तरक्की करेगा और पाकिस्तान जो है डेवलप होगा और इससे लोगों की सेहत भी जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में आपको अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे और सेहतमंद ज़िंदगी बसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।